In this pandemic, never let your celebrations down and bake this delicious chocolate cake just like the one from your favorite cake shop. And that too with only two main ingredients. Hi friends, this is Neha. Welcome to my channel Desert Masala, your place to learn amazing recipes. So let's get ready. इस केक को बनाने के लिए हम ओरियो बिस्किट्स यूज करेंगे. यहाँ मैंने 200 ग्राम बिस्किट्स लिए हैं, विच इज अराउंड 20 बिस्किट्स. अब इनकी क्रीम निकाल लेंगे. ये क्रीम ना फ्रेंड्स थोड़ा हल्के हाथों से निकालिए, क्योंकि यही हम बाद में केक डेकोरेशन में यूज करने वाले हैं. ये देखिए हमारे सारे बिस्किट्स का क्रीम हमने निकाल लिया है. अब इसे ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर बना लेंगे. आप देख सकते हैं हमने इसका कैसे फाइन पाउडर बना लिया है. अब एक बाउल में इसे निकाल लेंगे. फिर उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर. आप यहाँ बटर की जगह घी या फिर कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल जैसे कि सनफ्लावर या राइस ब्रैन ऑयल भी यूज कर सकते हैं. फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फ्रेंड्स ध्यान रखिए हमें दूध एकदम से नहीं डालना है, और ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, एकदम ठंडा या गर्म यूज नहीं करना है. हमें ये बैटर ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं. इसके लिए हमने यहाँ टोटल 3/4 कप दूध यूज किया है. फ्रेंड्स हमें इसके ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी लानी है. और सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे इनो. ये 5 ग्राम का रेगुलर फ्लेवर वाला इनो है. इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर हम 1 टीस्पून दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है. यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे मिक्स कर रही हूँ. पहले एक ही डायरेक्शन में गोल घुमाना है और ऐसे बीच में से कट मारना है. इस मेथड से बैटर में एयर बबल्स बनेंगे, जिससे अपना केक बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा. बट इसे हमें ज्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है. अब एक केक टिन लेंगे. इसके बॉटम पे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है और बटर से इसे ग्रीस कर लिया है. अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप बटर, ऑयल या घी से इसे ग्रीस करके इस पे मैदा छिड़क सकते हैं. और फ्रेंड्स अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं. इसमें अपना बैटर डाल देंगे. इसे स्पैचुला से लेवल अप कर लेंगे. और टिन को थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि बैटर सेट हो जाए. हम ये केक कढ़ाई में बेक करने वाले हैं. इसके लिए बड़ी कढ़ाई लेंगे. इसे मैंने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने रख दिया था. कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो गई है. अब इस पे एक प्लेट या स्टैंड रखकर इस पे अपना केक टिन रख देंगे. हमें इसे पूरी तरीके से कवर करना है. अगर कोई भी स्टीम आउटलेट है तो उसे टिश्यू पेपर से ऐसे ब्लॉक कर दीजिए. हमें इस केक को लो फ्लेम पे 35 मिनट्स के लिए बेक करना है. 35 मिनट्स हो गए हैं. चलो देखते हैं अपना केक बेक हुआ कि नहीं. इसके लिए टूथपिक लेंगे और इसे इंसर्ट करके देखेंगे. आप देख सकते हैं टूथपिक क्लियर आ रही है. हम इसे और एक जगह इंसर्ट करते हैं. ये भी क्लियर है. इसका मतलब हमारा केक बेक होके रेडी है. अब मोल्ड को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने रख देंगे. हमारा केक कम्प्लीटली ठंडा हो गया है. अब इसकी डिमोल्डिंग करते हैं. सबसे पहले इसके साइड्स स्क्रैप कर लेंगे.
फिर इस पे प्लेट रख के केक को उल्टा करके निकाल लेंगे। इसका बटर पेपर निकाल के आपको दिखाती हूँ कि अपना केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, इस केक को सिंपली आप ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करके एंजॉय कर सकते हैं, बट इसे बिल्कुल केक शॉप जैसा बनाने के लिए मैं चॉकलेट गनाश से इसे डेकोरेट करूंगी। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैंने गनाश की फुल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसे गनाश से डेकोरेट करने के लिए एक रैक पे रख लेंगे और नीचे एक बाउल रख देंगे ताकि गनाश ड्रिप होके सीधे बाउल में गिरे। अब पूरे केक के ऊपर इस तरीके से गनाश पोर कर लेंगे। और इसे हल्के से हिला लेंगे ताकि गनाश यूनिफॉर्मली फैल जाए। और फिर तुरंत इस पे गनाश की सेकेंड कोटिंग डालेंगे। इसे हम स्पेशली एजेस पे ज्यादा डालेंगे ताकि ये साइड से भी अच्छे से कवर हो। सिमिलरली इसे भी थोड़ा हिला के 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा का गनाश ड्रिप हो जाए। और फिर पूरा गनाश ड्रिप होने के बाद केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। फ्रिज से निकालने के बाद केक को रैक से ऐसे उठा के एक बेस प्लेट पे रख देंगे। अपना केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब चलिए इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। हमने जो बिस्किट्स की क्रीम निकाल के रखी थी ना, उसके ऐसे पेटल्स बनाएंगे। और इसे केक के ऊपर रख देंगे। अभी चेरीज का सीजन है तो मैं यहाँ फ्रेश चेरीज यूज कर रही हूँ। चेरीज को ऐसे बीच बीच में रख देंगे। और फिर लास्ट में रख देंगे वॉफल स्टिक्स। So guys, our simple and elegant looking chocolate cake is ready to cut and enjoy. Do try this easy cake recipe and let me know your experiences in the comment section. Also, don't forget to like and share this video with your friends. And for regular updates, please subscribe to Desert Masala.